वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप सब जो है ना फिट एंड फाइन होंगे। तो आज जो ना हम लोग जा रहे हैं डी मार्ट अपना ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए, और बस चलते हैं, फिर आपके साथ शेयर करती हूँ डी मार्ट का हॉल। चालू क्या कर रहे वो? नहीं नया लेंगे, नया लेंगे। ऑन करके डिसो सब फिक्स नहीं रहे। अच्छा बल्ब फिक्स होता है, चार्जिंग वाला है ना, ऐसा चार्ज करने के बाद चलता है। और डीमार्ट के बाहर ये सॉफ्टी और पॉपकॉर्न ये मस्ट टू हैव अ थिंग्स है, लाइक इसे जो है ना स्किप नहीं किया जा सकता, बिकॉज ये ना काफ़ी रिजनेबल तो होती है, साथ ही साथ जो है ना काफ़ी टेस्टी भी होती है। तो हमने जो ना यहाँ पे बस सॉफ्टी ली और पॉपकॉर्न के 3 पैकेट्स लिए और वापस चल पड़े घर के लिए। और इस बार ना मैंने कुछ एक नई चीज़ देखी, जो ये कोन होता है ना, इसे कोन को कप का पैटर्न दिया गया है, जो कि मुझे काफ़ी यूनिक लगा, बिकॉज कोन तो हमने कई बार देखा, ये वेफर का ही है, ईटेबल था, बट इसका शेप जो है ना एक बाउल के जैसा दिया गया था, एक कटोरी के जैसा। तो कुछ नया देखने को मिला इस बार मुझे डी मार्ट के इस विजिट पे। चलो चलो जल्दी करो, बैठो। और बीच में रास्ते पे जो ना हस्बैंड ने यहाँ पे गन्ना जूस का आनंद लिया, बिकॉज गर्मियों में गन्ना जूस तो चाहिए चाहिए, बाहर आप निकलो तो। और यहाँ पे तो इतने ज़्यादा वेंडर हो गए हैं ना गन्ना जूस के, कि हर एक 2 किलोमीटर में आपको जो ना गन्ना रस अवेलेबल होता है, और एक हेल्दी सा एक ऑप्शन भी होता है समर के लिए। तो फाइनली हम जो ना घर पहुँच चुके हैं, और मेरा जो ये फ्रिज वाला स्टफ था ना, लाइक चीज़, पनीर, बटर, ये सब मैंने निकाल के पहले अलग करके फ्रिज में रख दिया। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने आज क्या क्या डीमार्ट से लाया। तो ये था रोस्टेड चना, दालें, बेसन और दलिया, छोले, मैगी, और ये टाटा टी अग्नि में बाय वन गेट वन का ऑफर था। और ये जागरी बाइट्स आ रहे हैं छोटे छोटे, बहुत ही प्यारे से लगते हैं, क्यूट से, छोटी साइज में। और ये रिफ्लेक्ट का डिश जेल, डेटॉल हैंड वॉश, शॉवर टू शॉवर टेलकम पाउडर, बर्ड्स सोप, और ये रहे हमारे कुकिंग ऑयल, जिसमें है मस्टर्ड ऑयल पतंजलि का, दिए का तेल, और पतंजलि का ही काऊ घी मैं लेती हूँ। और ये फ्रीडम का रिफाइंड ऑयल लिया है मैंने, स्पेशली डीप फ्राई करते हैं ना हम पूड़ी पकौड़े वगैरह उसके लिए। और ये मेरा तिल का तेल, इसको लेके जो ना काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा ब्रांड है, तो ये AS ब्रांड यहाँ का लोकल ब्रांड है। और विनेगर, टूथपेस्ट, और ये कुछ पूजा की चीज़ें, माचिस, कैम्फर, और ये बर्तन का सोप, केचप, न्यूटेला बच्चों के लिए, और ग्लूकोस। और ग्लूकोस के साथ ना मुझे ये एक मॉडल फ्री मिला, और ये ब्रह्मा के लिए पतंजलि दूध बिस्किट एंड ओरियो बिस्किट, और माजा की ये मैंने 1 लीटर की बॉटल ली, और ये 2 रू अफ्सा। वापसी में जो है ना हम वहीं से कराची बेकरी भी चले गए थे, तो कुछ स्टफ़ कराची बेकरी से भी लाया, ये पोहा, पापड़ और बादाम लिया था मैंने, और ये डेट्स के 2 डब्बे वहाँ से खरीदे,
एंड ये जो है ना ईद स्पेशल सेमिया आ रही है अभी मार्केट में यहाँ पे, और ये कुछ मैंने जो ना हैंड टॉवल, ये छोटी नैपकिन कर्चिफ बोल सकते हैं, हैंड टॉवल नहीं एग्जैक्टली कर्चिफ है, तो काफ़ी अच्छे मुझे मिले और सॉफ्ट थे काफ़ी, और ये छोटे छोटे नैपकिन मैंने वर्षा के लिए लिए। एंड दो इसमें जो है ना कॉटन के भी इस तरीके से छोटे से मैंने रुमाल खरीदे जो कि मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे थे, काफ़ी सॉफ्ट और अच्छी क्वालिटी के थे। और ये कराची बेकरी हम जब गए थे ना वहाँ से कुछ मैंने स्टफ़ लाया है फॉर समवन स्पेशल, और किसके लिए लाया आपको आगे आने वाले वीडियो में पता चल ही जाएगा। तो ये बेसन के लड्डू कराची के काफ़ी टेस्टी होते हैं, हमने पहले भी ट्राई किया हुआ है, काफ़ी अच्छा इसका स्वाद होता है। और ये यहाँ के कराची के चाय कुकीज़ बहुत ही डिलीशियस होते हैं, और कराची के ही ये वर्ल्ड फेमस प्रीमियम फ्रूट बिस्किट जो कि बहुत ही ज़बरदस्त स्वादिष्ट होते हैं। और ये हल्दीराम का खट्टा मीठे का जो पैक आता है वो, और कुछ और स्नैक्स लिए थे हमने, सोया स्टिक वगैरह, और बस ये था हमारा, हमारी जो डीमार्ट की शॉपिंग सारा, ग्रॉसरी और कराची बेकरी गए थे वहाँ का कुछ स्टफ। और मैंने कुछ और चीज़ें ली इस बार डीमार्ट से, तो जिसमें ये एक कंटेनर है, मैंने लास्ट टाइम भी लाया था मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने एक और कंटेनर लिया है। और ये एक छोटा सा मैंने जो है फ़ैन लिया है, चार्जेबल फैन फैन है ये, एक मैंने स्टोरेज पर्पस के लिए लिया है। और ये वही नैपकिन है जो कि मैंने आपको पहले दिखाया, और ये वाली जो ट्रे मैंने पहले भी दो खरीदी थी ब्लैक एंड वाइट, तो अभी मैंने जो ना क्रीम कलर की ये ट्रे खरीदी। और एक ये मैंने मैट खरीदा है टीवी यूनिट के सामने बिछाने के लिए। और बस ये कुछ छोटी मोटी चीज़ें थी, केवड़ा एसेंस, और ये एक छोटा सा पाउच मैंने खरीदा, मुझे चाहिए था ट्रेवल पर्पस के लिए। और ये एक और बास्केट, एंड ये एक बड़ी साइज़ का बास्केट मैंने लिया है, और ये एक विस्कर। तो बस ये सारी चीज़ें थी जो कि मैं डी मार्ट से लेकर आई, काफ़ी सारा स्टफ़ मैंने लिया इस बार, और कुछ कुछ चीज़ें जो कि ट्रैवल पर्पज़ से यूज़ होती हैं तो मुझे जो है ना काफ़ी अच्छे ऑफर में मिल गई। और ये जो है ना मैंने एक चार्जेबल फ़ैन ख़रीदा है मेरे मंदिर में कान्हा जी के सामने रखने के लिए, इसे बस जो है ना आप चार्ज कर लीजिए 4-6 घंटे, एंड देन उसके बाद जो है ना पूरी रात बहुत अच्छे से चलता है। और इसमें ना लाइट भी है, और लाइट भी 3 लेवल की लाइट है, एकदम मिड और मीडियम एंड हाई आप स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से ना पीछे 2 बटन दिए हैं, एक लाइट का और एक फ़ैन का, और फ़ैन की स्पीड भी ना अच्छी खासी थी, लाइक बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं है बट बहुत एकदम शोपीस टाइप भी नहीं था, अच्छी खासी हवा इसमें जो है ना आ रहा है। और इस तरीके से इसे ना आप कहीं पर हैंग भी कर सकते हैं, और इसकी ये चार्जिंग की केबल दी गई है इसके साथ। और ये एक मैंने लैंप लिया आशीष के रूम के लिए, तो ये भी एक वायरलेस चार्जेबल लैंप है, इसे बस एक बार आप चार्ज कर लीजिए एंड देन टेबल पे या कहीं पे भी आप रख सकते हैं। और ये ना इस तरीके से ना आप 360 डिग्री में से किसी भी डायरेक्शन में ऐसा आप अपने फैसिलिटी के अकॉर्डिंगली इसे मोल्ड कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा लगा, बट लेट्स सी कितने दिन चलता है, प्राइस तो रिजनेबल था, लेट्स सी द क्वालिटी। तो बस फ्रेंड्स ये था मेरा डीमार्ट का व्लॉग, आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। जल्दी मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।